दोस्तों, उत्तर प्रदेश में टीचर्स रिक्रूटमेंट का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टीजीटी पीआरटी के सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में शेयर की जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस सिंगल वीडियो में दो टीचर्स रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये देखिए दोस्तों, ये पहली नोटिफिकेशन है। टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट 50% अंकों के साथ, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड आपने कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो। कंसर्न सब्जेक्ट टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ के लिए बैचलर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। टीजीटी सोशल साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार से है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में एक से एक जरूर से जरूर आपके पास हो। इसी तरह से टीजीटी साइंस के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। टीजीटी म्यूजिक के लिए ग्रेजुएशन म्यूजिक में, टीजीटी कंप्यूटर के लिए बीसीए आपने कर रखी हो या फिर ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो, या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में आपने कर रखी हो, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी हो पर उसी के साथ साथ 2 से A लेवल कोर्स आपने कर रखा हो, तो काफी सारे आपके पास ऑप्शन है। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। इसी तरह से टीजीटी मार्केटिंग, टीजीटी वर्क एजुकेशन, टीजीटी हैंडीक्राफ्ट सभी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट यहां दर्शा दिए गए हैं। और दोस्तों, उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ा पाए। इसके बाद पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ बीईआईईएड और या फिर 2 साल की DEIED आपने कर रखी हो। और दोस्तों, बीएड वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, पर 2 साल के अंदर अंदर अगर आपका सिलेक्शन यहां हो जाता है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सेम कंडीशन है जो पहले होती थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले यही कंडीशन थी बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर वो पीआरटी के लिए आवेदन करते थे, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे रद्द कर दिया गया था, पर इस नोटिफिकेशन में ये दिया गया है। और दोस्तों, जो ये रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट आ रही है आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से रिक्रूटमेंट है। पदों का विवरण यहां दिया गया है जो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है इसमें। और दोस्तों, ये अडहोक बेसिस की रिक्रूटमेंट है सिर्फ 11 महीने के लिए। डिटेल्स आर एज फॉलोज, टीजीटी हिंदी की 3 वैकेंसी है, इंग्लिश की 4, मैथ की 3, साइंस की 4, सोशल साइंस की 4, कंप्यूटर साइंस की 3, संस्कृत की 1, म्यूजिक की 1, फिजिकल एजुकेशन की 3, फाइनेंशियल लिटरेसी की 1, मार्केटिंग 1, हैंडीक्राफ्ट की 1, वर्क एजुकेशन की 1, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की 22 वैकेंसी है, पीआरटी एसयूपीडब्ल्यू की 1, पीआरटी आर्ट क्राफ्ट की 1, पीआरटी डांस की 1, पीआरटी असिस्टेंट टीचर की 1, नॉन टीचिंग स्टाफ में काउंसलर की 1, साइंस लैब अटेंडेंट की 2, आईटी सुपरवाइजर की 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1, एडमिन स्टाफ में एलडीसी के 5, पैरामेडिक्स, नर्सिंग और असिस्टेंट के 2, रिसेप्शनिस्ट की 1, ग्रुप डी में जो वैकेंसियां हैं वाच एंड वार्ड स्टाफ के 10, हाउसकीपिंग स्टाफ की 21, फीमेल आया की 6, एमटीएस की 3 और ग्राउंडमैन की 1 वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, ऑफलाइन ही आपको इनके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी 2024 है। स्कूल में ही आपको अपनी एप्लीकेशन जमा करानी होगी। ये देखिए, ऑल एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड मस्ट सेंड टू आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट, न्यू आरएटीसी लाइन नियर शक्ति द्वार मथुरा कैंट। कब तक? 12 फरवरी 2024 तक। 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी आपकी लगेगी जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जमा करानी होगी। डिमांड ड्राफ्ट आपका होना चाहिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट। और दोस्तों, aps.mathurakent.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद बाकी की जानकारी देख लेते हैं इनके जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसी के माध्यम से। ये देखिए दोस्तों, सभी की क्वालिफिकेशन यहां प्रोवाइड कराई गई है। एपीएस मथुरा कैंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कहां नोटिफिकेशन मिलेगा वो जानकारी भी आगे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। पदों का विवरण मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। जहां तक एज लिमिट की बात है, अपर एज लिमिट 40 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 57 साल निर्धारित की गई है। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट उन्हें माना जाएगा जिन्हें पिछले
10 साल में 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। सैलरी की जहां तक बात है, टीजीटीपी आरटी काउंसलर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, साइंस लैब अटेंडेंट और आईटी सुपरवाइजर को एज पर AWES नॉर्म्स मिल जाएगी। एलडीसी पैरामेडिक्स रिसेप्शनिस्ट को कंसोलिडेटेड पे मिलेगी। ग्रुप डी स्टाफ को मिनिमम वेजेस ऑफ यूपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सैलरी यहां दी जाएगी। और दोस्तों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा कैंट की, aps.mathurakent.edu.in। यहां आप देखेंगे जरा सा नीचे आएंगे तो LSB 2024 लिखा हुआ दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल सेक्टर 37 अरुण विहार नोएडा यूपी की तरफ से, aps.nowida.edu.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पीजीटी केमिस्ट्री, टीजीटी साइंस, हिंदी और कंप्यूटर साइंस की रिक्रूटमेंट आई हुई है। एज लिमिट क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। CSB क्वालिफाइड फॉर पीजीटी टीजीटी, सीटेट टेट इज मैंडेटरी फॉर टीजीटी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सैलरी एज पर 7th पे कमीशन आपको इसमें मिल जाएगी। यहां भी 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस आपको लगेगी जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको जमा करानी है। आपका डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2024 है। यहां भी आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, दो आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट की अपडेट आपको सिंगल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।